उस धारा पर घूस देकर छूट जाता है। आप जानते होंगे एक भी आदमी जो शराब से कारोबार करता है से जेल में है, लेकिन गरीब लोग खाली जेल में। वाह कैसा कानून हो तो कि शराब बेचे वाला न जेल तो खाली पिए वाला के जो गरीब है ओकरा पकड़ पकड़ के तू बंद कर दे, कम से कम लावे वाला के भी तो कार्रवाई करे, ओकरा तो रोके। कहां से आ जा रहा है ट्रक के ट्रक माल। तो एक इन बातों को जब संतोष मांझी जब उठाने लगे तो फिर से उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। कहा गया कि आप चाहे गरीब की बात करना बंद कीजिए या फिर आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। संतोष मांझी जी ने बोला कि नहीं, हमको ऐसे मंत्री पद का कोई लोभ नहीं है, हमें ऐसा मंत्री नहीं रहना है जहां कि हम अपने लोगों की आवाज को न उठा सके, हम अपने लोगों की बात न कर सके, हम गरीबों की उन्नति की बात न कर सकते हैं, ऐसा मंत्री रहकर हम क्या करेंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, लात मार दिया वैसे मंत्री पद को। हमको वैसा मंत्री पद नहीं चाहिए जिसमें हम अपने लोगों की बात न कर सके, क्योंकि जीतन राम मांझी खुद भी आप ही के बीच से आए हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखा है, उन्होंने गरीबी में अपना बचपन जिया है, इसलिए वो इस दर्द को समझते हैं कि गरीबी में क्या दर्द है। जब कोई वृद्ध होता है उसे 400 रुपया में एक महीना चलाना होता है, एक 400 रुपया में क्या एक महीना चल सकता है, नहीं। वो चाहते थे कि उसको 2,000-3,000 रुपया कर दिया जाए, नहीं तो कम से कम 1,000 रुपया तो कम से कम है, इससे कम तो चलेगा भी नहीं। इसी बिजली का बात